how are you? I hope you all are fine. And today I am teaching a new lesson. Lesson number first, living word and classification of microbes. This lesson is for students standard class 8 and very interesting chapter is this lesson. So without wasting our time, चलिए start कर this lesson. तो ये कुछ topics है जो हम इस lesson में इस part में पढ़ेंगे. सबसे पहला topic है students हमारा living word. कौन सा topic? Living word. What is meaning of living world? आपको पता है तो living world, okay? So earth, ये क्या हमारा earth है, okay? तो earth पे क्या होता है students? बहुत varieties, many types of plants and animals are present on our earth. तो इनको मिला के क्या बनता है हमारा living world बनता है. क्या बनता है? Living world बनता है. Simple ही मैं बताऊँ, ये living world यानी living life. क्या होता है students? Living world यानी living life. समझ में आया? अब second point. ये समझ में आपको ये doubt clear होगा. अब second point के बारे में बात करते हैं. Classification. What is meaning of classification? Classification मतलब क्या होता है? तो classification का मतलब students देखिए अलग अलग groups को divide करना. इस method को क्या बोलते हैं? Classification बोलते हैं. यानी कि groups को क्या simple language में groups को divide करना उसे कहा जाता है classification. ये भी डाउट क्लियर होगा. देन इसके बाद आता है स्टूडेंट्स मेन डाउट जो कि है बायोडायवर्सिटी एंड मेन नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. तो बायोडायवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्या? देखिए एग्जांपल है स्टूडेंट्स हमारा एनिमल्स. ओके, थोड़ा बेसिक आपको मैं पढ़ाती हूँ पहले. तो एनिमल्स क्या स्टूडेंट्स? एनिमल्स तो एनिमल्स आपको कभी क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में इतने सारे एनिमल्स हमारे अर्थ पे तो कितने हो गए. ठीक है, तो जब फ्रेंड्स साइंटिस्ट ने जब साइंटिस्ट ने 2011 कौन से डेट पे 2011 में जब फाइंड आउट किया ठीक है एनिमल्स ही नहीं यानी सारे स्पीशीज ओके अर्थ पे 2011 में जब एनिमल्स सॉरी साइंटिस्ट ने फाइंड किया तो उनको 87 मिलियन कितने 87 मिलियन ऑफ उनको सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज क्या स्पीशीज स्पीशीज यानी लैंड पर के पानी पर के सबको मिला के कितने स्पीशीज 87 ऑफ मिलियन स्पीशीज आर फाउंड ऑन अवर अर्थ. ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया हमको बायोडायवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन कैसे? तो इतने सारे एनिमल्स है ठीक है, अब क्या मेन बात ठीक है इतने सारे एनिमल्स है तो इसे हम हमारे माइंड में नहीं फिट कर सकते ओके ना, हमारे रिमेम्बर नहीं रह सकते इतने सारे एनिमल्स. तो इसके हेल्प से क्या किया, तो साइंटिस्ट ने क्या करे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स निकाले. क्या निकाले? ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. तो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स हमारे इस प्रॉब्लम को आसान करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, तो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स ने उन्हें डिवाइड किया. क्या किया? डिवाइड किया. चलिए ये समझ में आ गया. अब बात करते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोर्थ टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या? ओके, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या फ्रेंड्स? अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है फ्रेंड्स? लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं फ्रेंड्स? लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग 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 ग्रुप्स में क्या होता है? डिवाइड किया जाता है. क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है. क्यों डिवाइड किया जाता है? मैंने आपको बताया इतने सारे एनिमल्स है हम उसे मेमोरी में नहीं रख सकते, तो साइंटिस्ट ने क्या किया उनको डिवाइड करने की प्रोसेस मतलब स्टार्ट की. तो उसी डिवाइड करने को प्रोसेस उसी मेथड को क्या बोलते हैं स्ट्रेस? उसी मेथड को बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. आपके टेक्स्ट बुक में स्ट्रेस आपको डेफिनेशन दी होगी. देखिए मैं आपको रीडिंग करके बताती हूँ कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. किसमें? ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जब डिवाइड किया जाता है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. जी हाँ फ्रेंड्स, उसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स इस डेफिनेशन का. तो डॉग क्या फ्रेंड्स? डॉग हमारे अर्थ पे बहुत सारे डॉग है और उनके वैरायटीज भी बहुत सारे. ठीक है, तो ये डॉग अब वैरायटीज कौन सा है? तो लैब्राडोर एक वैरायटी है. ठीक है, ये डॉग का क्या है? एक वैरायटी. तो डॉग क्या होगा? डॉग है हमारे ग्रुप.
भी बोलते हैं डॉग, लेकिन अभी उनके वराइटीज हमें पता है क्या? नहीं पता। तो इसके कारण क्या किया गया, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ग्रुप निकाला, ठीक है, जबकि हम उसे क्या करते हैं, अच्छे से हमारे मेमोरी में फिट करते हैं। ओके, ये समझ में आ गया आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब पढ़ते हैं हमारे ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारा हमें क्या किया, ज्ञान दिया हमें, बहुत सारा पढ़ाया। तो चलिए पढ़ते हैं उस ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में। सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स हमारे कार्लिनियस। कौन? कार्लिनियस। ओके, फर्स्ट साइंटिस्ट इज कार्लिनियस। ओके, तो कार्लिनियस ने क्या किया स्टूडेंट्स, इन 1735, ठीक है, कभी इन 1735 में उन्होंने क्या किया, टू किंगडम निकाले। कितने किंगडम? टू किंगडम, नेम एज वेजिटेरिया एंड स्टूडेंट्स हमारा एनिमेलिया। वेजिटेरिया एंड एनिमेलिया, ये टू किंगडम कौन ने निकाले? तो कार्लिनियस साइंटिस्ट ने इन 1735, ईयर कौन सा स्टूडेंट्स? 1735, ये ईयर ध्यान में रखिए, 1735 में वेजिटेरिया और एनिमेलिया ये दो किंगडम निकाले। ओके, यानी कि डिवाइड किया। देन उसके बाद सेकेंड आते स्टूडेंट्स हेकल नाम के साइंटिस्ट, हेकल। तो हेकल ने क्या किया स्टूडेंट्स, इन 1866, ठीक है, डेट कौन सी, ईयर कौन सा, 1866 में थ्री किंगडम निकाले। कितने किंगडम? थ्री किंगडम, दे आर नेम्ड एज प्रोटिस्टा, एनिमिलिया एंड प्लांटे। ओके, प्लांट्स, प्लांटे कुछ भी बोलो, एक ही है, एनिमिलिया, प्लांट एंड प्रोटिस्टा, ये थ्री किंगडम कौन से साइंटिस्ट ने निकाले? हेकल नाम के साइंटिस्ट ने। अब बात करें थर्ड साइंटिस्ट की, तो थर्ड साइंटिस्ट है स्टूडेंट्स हमारे चैटल नाम के साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने क्या किया इन 1925, डेट क्या है, 1925 में कितने किंगडम निकाले? तो 1925 में स्टूडेंट्स उन्होंने टू किंगडम निकाले। कितने किंगडम? टू किंगडम, दे आर नेम्ड एज प्रोकैरियोट्स एंड स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है, ये दो किंगडम किन्होंने निकाले? किंगडम नहीं है एक्चुअली, उन्होंने डिवाइड किया। क्या किया? डिवाइड किया। चैटल नाम के साइंटिस्ट ने इन 1925 को दो किंगडम निकाले, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे फोर्थ साइंटिस्ट की, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फोर्थ साइंटिस्ट। फोर साइंटिस्ट स्टूडेंट्स हमारे कॉपलैंड नाम के साइंटिस्ट, कॉपलैंड, उन्होंने स्टूडेंट्स इन 1938, कभी 1938 को फोर किंगडम के बारे में, मतलब फोर किंगडम क्या किए उन्होंने, डिवाइड किए, क्लासिफाइड किए। तो उनके नेम है स्टूडेंट्स मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसके बाद प्लांटे एंड एनिमल, ठीक है। तो ये फोर साइंटिस्ट किन्होंने निकाले, कॉपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने इन 1938 को निकाले। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे मेन साइंटिस्ट की, ठीक है, किसकी? मेन साइंटिस्ट की, जिसका नेम है स्टूडेंट्स, बताऊंगी मैं आपको, जिसका नेम है फिफ्थ साइंटिस्ट, लास्ट साइंटिस्ट, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। कौन? रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर, ठीक है, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। तो इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, इनका बर्थ है 1920 को ये बॉर्न हुए, और उनकी डेट कभी हुई, तो 1980 को ये डेट है। तो ये क्या थे स्टूडेंट्स, ये एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। कौन थे? इकोलॉजिस्ट, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, ही इज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। कौन थे? अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने
क्या किया, फाइव किंगडम निकाले। कितने किंगडम? फाइव किंगडम। तो देखिए ये टोटल कितने किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये टोटल फोर किंगडम। कितने किंगडम? फोर किंगडम। उन्होंने इसमें और एक किंगडम ऐड किया तो उसका नेम है फ्रेंड्स फंगी। कौन सा किंगडम? फंगी। तो टोटल कितने हैं? फाइव किंगडम। तो उसके नेम्स यहाँ पे मैं बताती थी आपको, कौन से फाइव किंगडम्स निकाले फ्रेंड्स उन्होंने, मोनेरा, ये हमारा फर्स्ट किंगडम, देन प्रोटिस्टा, सेकेंड किंगडम, थर्ड किंगडम इज फंगी जिसे फंजाई भी बोलते हैं, देन उसके बाद प्लांट्स और प्लांटे कुछ भी बोलो, एक ही एनिमलिया, एनिमल्स। ठीक है, ये फाइव किंगडम रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, क्लासिफाइड किया। ठीक है, समझ में आ गया कौन से फाइव किंगडम है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब थोड़ा फिर से रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स हमारे ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में। सबसे पहले आते कार्नेलियस। कौन आते? कार्नेलियस। इन्होंने 1735 याद में रहते 1735 को वेजिटेबलिया और एनिमेलिया ये दो ग्रुप्स निकाले। ग्रुप से ये किंगडम नहीं है, तो ये दो ग्रुप्स क्लासिफाइड किए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हैकल नाम के साइंटिस्ट ने। हैकल नाम के साइंटिस्ट ने 1866 को स्टूडेंट्स प्रोटिस्टा, एनिमेलिया एंड प्लांटे, कौन से? प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटे, ये थ्री किंगडम निकाले। देन उसके बाद चैटन नाम के साइंटिस्ट ने 1925 को प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये दो किंगडम निकाले। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, एक एक मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले मैं आपको ये पूरा साइंटिस्ट के बारे में बताती हूँ। देन पॉपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने 1938 को फोर किंगडम निकाले, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या है फ्रेंड्स? किंगडम है। ओके, ये ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। ओके, नाउ लास्ट वन साइंटिस्ट स्टूडेंट रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर। इन्होंने क्या किया, तो फाइव किंगडम निकाले, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये भी आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत उन्होंने क्या किया, फाइव किंगडम निकाले। एंड चलिए अब थोड़ा आगे जाते हैं एंड पढ़ते वन बाय वन। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं अभी वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स मतलब क्या है। तो प्रोकैरियोट्स मतलब क्या फ्रेंड्स, ये एक सेल है। ओके, एनिमल्स के इसमें सेल होता है, आपको पता है ऐसा सेल होता है, कुछ इस प्रकार सेल होता है। देन ये सेल के अंदर क्या होते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो ऑर्गन्स है, ये जो सेल ऑर्गन्स है, सेल के जो ऑर्गन्स है, वी कांट सी टू दिस। ओके, ये ऑर्गन्स को हम देख नहीं पाते, उसी ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, उसी सेल को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो ऑर्गन्स होते हैं न्यूक्लियस, वैक्यूल, ये हमें दिखाई नहीं देते, सो इसे क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। एंड बात करें फ्रेंड्स हमारे यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या, ऐसे सेल जो होता है उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं, वी कैन सी दैट ऑर्गन्स, कि वो हमें दिखाई देते हैं, उसे कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। जी हाँ फ्रेंड्स, उसे क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल। समझ में अगर डाउट क्लियर हो गया व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। ओके, अब स्टूडेंट्स ये हो गया ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में। ओके, ये हमारा कौन सा टॉपिक था, आई थिंक फिफ्थ टॉपिक। ठीक है, एंड अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ बिलोंगिंग टू दी रॉबर्ट विटेकर। उन्होंने कैसा क्लासिफिकेशन निकाला, वो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी सेल ऑर्गेनिज्म, क्या है, सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी, वन मिनट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर मतलब क्या फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कैसे भी, ठीक है, जटिलता, जिसे हम मराठी में जटिलता कहते हैं, मतलब कैसे भी, किस मतलब कैसे भी, ओके, गुनगुना जिसे कहते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी यानी एकदम कैसे भी खराब, जैसे हम बोलते हैं ना वैसे। तो उसका क्या है, तो उसका है स्ट्रेस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जैसे मैंने आपको बताया
प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देन इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बारे में कॉम्प्लेक्सिटी, ओके कैसे तो कैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब क्या फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा यूनिसेल्यूलर मतलब वन सेल, सिंगल सेल, ओके। अभी सिंगल सेल के एनिमल जिसे हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर। सिंगल सेल मतलब क्या फ्रेंड्स, यूनिसेल्यूलर, ओके यूनिसेल्यूलर। एक बार मैं आपका ये जो डाउट है वो क्लियर करती हूँ, यूनिसेल्यूलर, ओके। यूनिसेल्यूलर मतलब क्या, तो यूनी मतलब फ्रेंड्स वन, यूनी का मतलब क्या होता है, वन होता है, तो ये वन क्या होता है फ्रेंड्स, वन मतलब यूनिसेल्यूलर, ओके ये ध्यान में रखिए। फिर यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर यानी मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है, मेनी, मल्टी मतलब क्या, मेनी, समझ में आया कुछ। तो यूनी मतलब वन और मल्टी मतलब मेनी, इसका मतलब क्या, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामाइस्टियम, वॉलवैक्स, ये क्या है स्ट्रेस, ये यूनिसेल्यूलर है। तो ये क्या करते हैं स्ट्रेस, पास आउट भी वही सेल से करते हैं और इनहेल भी वही सेल से करते हैं, मतलब कि खाते भी वही सेल से और जो वेस्ट मटेरियल जो पास आउट करते हैं वही सेल से करते हैं। इनका काम जो होता है वो एक ही सेल से होता है। और मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुत सारे सेल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल इज एनिमल, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में भी बहुत सारे सेल्स आर प्रेजेंट इन अवर ह्यूमन बींग्स, ओके। अब क्या करते हैं स्ट्रेंड्स, अब पढ़ते हैं स्ट्रेंड्स हम थर्ड पॉइंट, कौन सा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी क्या, जो ऑर्गेनिज्म है उनके न्यूट्रिशन क्या होता है, प्लांट्स का न्यूट्रिशन क्या होता है, एनिमल्स का क्या होता है, वो कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या होता है स्ट्रेंड्स, प्लांट सबसे पहले क्या है, खुद का खुद ये बनाते हैं, ठीक है। सो उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ, सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंड्स, प्लांट्स को कहा जाता है एटोट्रॉप्स। एटोट्रॉप्स मतलब क्या स्ट्रेस, जो खुद का खुद क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, उसे कहा जाता है एटोट्रॉप्स, ठीक है। तो एटोट्रॉप्स किससे, कौन से, किसके, फोटोसिंथेसिस, जो एटोट्रॉप्स मतलब वो जो खुद का खुद ये बनाते हैं, फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्ट्रेंस हम, फोटोसिंथेसिस, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। मतलब फिर से बताती हूँ, प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का खुद क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, फूड बनाते हैं और दूसरों को देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और ये स्टूडेंट इसकी हेल्प लेते हैं सनलाइट की, ओके, सन की, सन के हेल्प से ये क्या करते हैं, अपना खुद का खुद फूड बनाते हैं। देन बात करें स्टूडेंट्स फंगी की, ठीक है, किसकी, फंगी की। फंगी क्या है फ्रेंड्स, फंगी इज एन सैप्रोफाइटिक, क्या है फ्रेंड्स, फंगी सैप्रोफाइटिक, सैप्रो, फंगी इज एन सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या फ्रेंड्स, डेड डिके पर क्या होने वाले, वो डेड डिके पर क्या होते हैं फ्रेंड्स, उनका खुद का खुद मतलब बॉर्न होते, ठीक है, डेड डिके पर आते हैं वो। तो सैप्रोफाइटिक मतलब क्या, ऐसे फंगी क्या करता है, सैप्रोफाइटिक यानी डेड डिके पर जगता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, सैप्रोफाइटिक कहा जाता है। तो सैप्रोफाइटिक यानी क्या, एब्जॉर्बेशन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म, जो भी मरे हुए होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या होता है स्ट्रेंस, जो माउस होता है, माइस होता है, वो क्या होता है, मरा हुआ होता है, तो उस पे वो क्या होते आते हैं, उनका क्या करते हैं, जीवन जगते हैं, तो उसे कहा जाता है सैप्रोफाइटिक, समझ में आया, जो कि डेड डिके पर आते हैं, डेड डिके, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, डेड डिके पर आते हैं, उसे कहा जाता है सैप्रोफाइटिक। देन उसके बाद फ्रेंड्स आता है एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स, तो एनिमल्स क्या होता है स्ट्रेंस, एनिमल इज एन हेटरोट्रॉफिक। ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है स्ट्रेस, एनिमल्स ऐसा कोई भी नहीं है जो हेटरोट्रॉफिक हो, खुद का खुद मतलब फूड बनाता है, ऐसा कोई नहीं है। तो वो क्या होते हैं, सभी एनिमल्स क्या करते हैं स्ट्रेंस, दूसरे पर जगते हैं, यानी कि प्लांट्स पे, एनिमल्स पे क्या होता है स्ट्रेंस, जगते, उसे कहा जाता है हेटीरोट्रॉफिक। तो हेटीरोट्रॉफिक क्या होता है स्ट्रेंस, समझ में आया आपको,
ओके चलिए, मतलब दूसरे प्लांट्स के क्या होते हैं जब ते उसे कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक, समझ में आया? ओके अब करते हैं हमारा, ये हमारा पॉइंट्स आपको आई होप समझ में आया होगा, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड करते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट जिसका नेम है स्टूडेंट्स लाइफ स्टाइल। क्या है? लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल। ओके तो प्लांट्स एनिमल्स और फंगी की लाइफ स्टाइल क्या है उसके बारे में अभी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्लांट्स, क्या आता है स्टूडेंट्स प्लांट्स। सो प्लांट्स कैसे क्या है प्लांट्स कौन है? तो प्लांट्स है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। ओके वन बाय वन सबसे पहले मैं लिख देती हूँ एंड देन एक्सप्लेन करती हूँ। देन एनिमल्स, देन फंगी। ओके सो एनिमल्स कौन है स्टूडेंट्स? एनिमल्स है कंज्यूमर एंड फंगी इज एन डिकम्पोजर। ठीक है अभी देखिए स्टूडेंट्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब क्या? तो प्लांट्स कौन है? प्लांट्स है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब स्टूडेंट्स ऐसे प्लांट्स क्या करता है खुद का खुद फूड बनाता है उसे कहा जाता है प्रोड्यूसर, यानी कि खुद का खुद बनाना उसे कहा जाता है प्रोड्यूसर। देन कंज्यूमर मतलब दूसरे पर फीड अपॉन एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स जो होते हैं उस पर फीड करते हैं उसे कहा जाता है प्रोड्यूसर सॉरी कंज्यूमर। एंड डिकम्पोजर मीन्स डेड डिके पर जगते रहते हैं उसे कहा जाता है डिकम्पोजर। ये तीनों बात आपको अच्छे से समझ में आ ही होगी। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या स्टूडेंट्स? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या? एक पर डिपेंड, यानी कि एक जैसे डिपेंड होना। ओके समझ में आ रहा है ना आपको? डिपेंड होना यानी कि जैसे कि अभी प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक। ओके प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ये क्या है? अब एक एक मतलब एक में पे क्या है डिपेंड है, ठीक है उनकी रिलेशनशिप है। तो प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक मैंने आपको समझा दिया। देन उसके बाद यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर, ये भी क्या है एक के क्या है रिलेशन में। ओके यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। ओके आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा। ये हमारा सिक्स टॉपिक था जिसका नेम क्या था स्ट्रेस क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर कंसाइडेड फ्रॉम दिस क्राइटेरिया, ये था हमारा सिक्स टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो कि हमारा